हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड गाइस, अगर आप लोग को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आज सुबह हमारा टाइम जो था हिंदू न्यूज पेपर का था, तो उस टाइम को आज के लिए सिर्फ हमने शिफ्ट करके शाम में 4 बजे कर दिया है। और अभी हम लोग 11 मई 2022 की क्लास कवर करेंगे, स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हैं। ये क्लास 2-3 दिन तक हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, उसके बाद ये क्लास जो है वो अनअकैडमी पर शिफ्ट हो जाएगी। वैसे तो चालू हो जानी चाहिए थी अनअकैडमी पर क्लास, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अभी तक वो टी शर्ट उन्होंने भेजी नहीं है, तो इस कारण से ये क्लास जो है वो हो नहीं पा रही है। तो जैसे ही मेरे पास टी शर्ट आ जाती है, अपन अनअकैडमी पर इस क्लास को, स्पेशल क्लास को जो है वो शिफ्ट कर देंगे, राइट? तो आई थिंक आपको सब कुछ जो है वो प्रॉपरली क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है। तो देखिए, भगवान बुद्ध की एक इंपॉर्टेंट चीज है, उनका कहना है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है, इस बात का परिणाम है। गाइस, इट इज वेरी ट्रू कि जो चीज हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। आज अगर आप सोच रहे हो दिन रात किस चीज के बारे में कि यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, इफ यू आर थिंकिंग ईच एंड एवरी डे कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, दैट मीन्स कि आप अपने आप को, आप अपने ब्रेन को हर समय पुश कर रहे हो कि आपको सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। तो आपने जहां सोचा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर ब्रेन। आपको आज की डेट में सिर्फ अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, उसको डिसिप्लिन में रखना है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स अपने ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर टाइम पर जो है वो अवेलेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज मन करता होगा आप में से काफी सारे लोगों का कि अरे यार, आज मन नहीं कर रहा, अलग सारे काम करते, क्लास छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। बट फिर आपके दिमाग में आता है, नहीं यार, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, फिर वो पढ़ता जाएगा। तो वो फियर आपको बोलता है कि नहीं, आज का काम आज ही कंप्लीट कर लो। यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहो बस, और सोचो ऑन अ रेगुलर बेसिस की दैट यू हैव टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, दैट्स इट। सो वेलकम टू थासर एकेडमी फॉर आईएएस गाइस। तो ये स्पेशल क्लास है करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर हम लोग स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं इस क्लास में। पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग, ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फोन पे, इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को एनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर, और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा, और ये गेमी फाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपये तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल हो। और कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है, झासर, JHASIR। और प्रिलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो उसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में, और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं, 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट? काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी, तो फटाफट एनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। सो गाइस, हम लोग बात करेंगे कर्नाटक सरकार की। कर्नाटक सरकार जो है वो 1.5 करोड़ रुपए रिलीज कर रही है। किस चीज के लिए 1.5 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार रिलीज कर रही है? परशुराम थीम पार्क को बनाने के लिए। कर्नाटक के अंदर करकाला में परशुराम थीम पार्क जो है वो बनाया जाएगा। भगवान परशुराम के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, काफी सारे लोग, हिंदू धर्म में भगवान परशुराम की जो है वो पूजा की जाती है।
और बताया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार जो है वहां यहाँ पर परशुराम थीम पार्क जो है वो बनवा रही है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, परशुराम थीम पार्क कहाँ पर बन रहा है कर्नाटक में, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पौराणिक रूप से परशुराम को मालाबार का संस्थापक माना जाता है, मालाबार जो क्षेत्र है उसके फाउंडर है परशुराम। और कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों का वध करने का पश्चाताप करने के लिए उत्तर क्षेत्र से, यानी कि इनको मतलब इन्होंने जो क्षत्रियों का जो वध किया था क्षत्रियों का, तो उसके पश्चाताप के लिए जो है ये नॉर्थ से जो है वो इस तरफ आए, उत्तर क्षेत्र से जो है ये मालाबार क्षेत्र की तरफ जो है वो आए, साउथ की तरफ जो है वो आए। और किस पर्पस के लिए, कि वो यहाँ पर पश्चाताप करें। और इस पश्चाताप के चलते उन्होंने पुरोहित वर्ग के सदस्यों को जमीन दान में दी। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना कि परशुराम साउथ की तरफ जो है वो क्यों आए, जब इन्होंने क्षत्रियों का वध किया था तो उसके पश्चाताप के लिए आए थे। इसके अलावा इनको हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार माना जाता है, और परशुराम को चिरंजीवी यानी कि अमर माना जाता है। चिरंजीवी है ये, अमर है, लॉन्ग लिव वंस या इमोर्टल वंस के तौर पर इनको माना जाता है। और यह कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होंगे। तो ये भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार जो होगा, राइट, कल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, तो इनके गुरु होंगे ये, राइट। तो ये माना जाता है, तो ये एक फैक्ट था जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है, राइट। अब इसके अंदर दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले इशू चल रहा था लाउड स्पीकर को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि आजान जो मुस्लिम के अंदर आजान जो हमें देखने को मिलती, इवन मई 2020 में भी हाई कोर्ट का ये कहना था कि आजान जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है और एक एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, इस्लाम का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है आजान, बट आप लोगों को प्रेयर्स के लिए बुलाएं लाउड स्पीकर के माध्यम से दूसरों को डिस्टर्ब करके, तो ये बिल्कुल भी जो है इंटीग्रल पार्ट की, अभिन्न अंग की कैटेगरी में नहीं आता। तो लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को बुलाना प्रेयर के लिए, तो ये क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 25 जो है वो गारंटी दे रहा है, राइट, किस चीज की गारंटी दे रहा है, कि एक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं या नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। ये चीज आपने पढ़ी होगी आर्टिकल 25 के अंदर, बट यू गाइस ऑल्सो नो आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, ये यूपीएससी पहले पूछ चुकी है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए कि फंडामेंटल राइट के तहत जो है वो कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये आर्टिकल 25 के कॉन्टेक्स्ट में ही आ चुका है पहले, तो ये फैक्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसके तहत फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, तो यही चीज उन्होंने कही है। अब इसके अंदर हेल्थ भी है भाई, नॉइस पॉल्यूशन हेल्थ को जो है वो हैम्पर करती है, यू गाइस नो अबाउट इट, राइट। तो ये चीज कहा जा रहा है कि आप जो है वो भाई आजान करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, उसमें कोई रोक नहीं है, रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है, बट लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आर्टिकल 25 था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ है, एंड इट इज कंफर्म दैट कि लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को बुलाना वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक डिस्टर्बेंस की कैटेगरी में आ जाता है, वो नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। चलिए, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट 50 साल बाद गर्भपात पर लगा सकता है बैन, लीक ड्राफ्ट से हुआ खुलासा। तो एक ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिला, देखिए वैसे तो मैं आपको क्लियरली बता दूं ड्राफ्ट हमारे लिए काम का नहीं होता है, बट द पॉइंट इज कि ड्राफ्ट के थ्रू हम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता लगती है। बट ये तो ये केस जो है वो अमेरिका का है, तो अमेरिका के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता नहीं करनी है, बट यहाँ पर मेन जो चीज है वो क्या है, गर्भपात, एबॉर्शन का टॉपिक है। और अबॉर्शन से रिलेटेड हमारी कंट्री में क्या कानून है जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर फटाफट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए की है, इसने एक जजमेंट दिया। इस जजमेंट के थ्रू 1973 में उन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। और अभी कुछ रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही है जिसमें
यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो स्टेट्स है, स्टेट्स वो खुद ब खुद यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो राज्य है, स्टेट जो है वो खुद ब खुद अपने अकॉर्डिंग अबॉर्शन को प्रोहिबिट कर सकते हैं, अबॉर्शन के ऊपर बैन लगा सकते हैं। मतलब कि जो अधिकार है अबॉर्शन का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो खत्म किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली स्टेट्स के द्वारा। तो ये चीज सामने आई है, तो ये तो एक बेसिक सी न्यूज है। बट आपको जो समझना है वो क्या समझना है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इंडिया के अंदर, भारत में गर्भपात संबंधी क्या प्रावधान है। तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है इस कानून का, इंडियाज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसके थ्रू अलाउ किया गया था कि एक प्रेग्नेंट महिला जो है 20 हफ्तों के लिए, 20 हफ्तों तक प्रेग्नेंट महिला अबॉर्शन करवा सकती है, यानी कि विद इन 20 वीक्स। बट 2021 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया कि कुछ स्पेशल कैटेगरी में, जैसे कि रेप की विक्टिम्स हुई, तो कुछ स्पेशल कैटेगरी में ये 20 हफ्तों को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। और इसमें दो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की अप्रूवल की आवश्यकता होगी कि जिससे कि किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अगर कोई फीटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि गर्भ के अंदर जो बच्चा है, राइट, तो वो मतलब डिसेबल्ड है या वो ठीक नहीं है, राइट, ठीक कंडीशन में नहीं है, हो सकता है कि कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाए जीवन के बाद, राइट, तो इस केस में एबॉर्शन की कोई भी टाइमलाइन और टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मतलब कि इस केस में, मेडिकल इमरजेंसी के केस में अबॉर्शन जो है वो कभी भी करवाया जा सकता है, उसमें कोई भी फिक्स लिमिट जो है वो नहीं दी गई है। वैसे फिक्स लिमिट लिमिट हम लोग को देखने को मिली थी, अगर हम बात करें 1971 के एक्चुअल कानून की, तो उसमें 20 हफ्तों तक थी कि आप 20 हफ्तों तक अबॉर्शन करवाया जा सकता है इंडिया के अंदर, और इस 20 हफ्तों को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया। कब? 2021 के अमेंडमेंट में, वो भी स्पेशल कैटेगरी के दायरे में। तो ये 20 हफ्ते से 24 हफ्ते वाला क्लॉज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा चाइना ही एक ऐसी कंट्री जो हमें देखने को मिलती है जो अपना वीटो लगा देती है और हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एंटर करने नहीं देती। वीटो का मतलब तो आप सभी को पता है, कोई ऐसा है जिसको वीटो का मतलब ना पता हो प्लीज बताना, मैं तुरंत आपको उसका मतलब भी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस कि आप लाइव सेशन जरूर अटेंड किया करें। चलिए सुनिए गाइस, देखिए न्यूज क्या आई है कि फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन और एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की स्थायी सदस्य का किया समर्थन, और फ्रांस बहुत समय से समर्थन कर रहा है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या होता है, एक वीटो पावर होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, पता है ना आप लोगों को, 5 परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इन 5 मेंबर के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि 5 में से अगर कोई भी एक मेंबर अगर मना कर देता है कि उसे ये डिसीजन नहीं पसंद, तो क्या होगा, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। फिर से समझो, वीटो पावर का मतलब कि 5 में से कोई भी एक मेंबर अगर कह दे कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना है, मैं इस डिसीजन से सहमत नहीं हूं, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मतलब कि मेजोरिटी के तौर पर चीजें नहीं चलती है, सभी मेंबर की सहमति की आवश्यकता होती है। तो हो क्या रहा है गाइस, हम काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाए और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बन जाए, बट चाइना एक लौती ऐसी कंट्री है जो बार बार अपना वीटो लगाकर हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर ना बनने दे रही है, ना न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने दे रही है। तो इसी को लेकर एक छोटा सा टॉपिक है, इसी पर ही हम लोग चर्चा करते हैं कि फ्रांस ने हमारा हमारे ऊपर फिर से सपोर्ट किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारी परमानेंट मेंबरशिप हो और इंडिया की एंट्री न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हो जाए। और इस डिमांड को ऑलरेडी 5 परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है, उनमें से 4 मेंबर ने सपोर्ट किया है, एक चौथी चाइना ही है जो बार बार अपना वीटो लगा के क्या कर रही है, हमारी एंट्री को जो है वो बार कर रही है। Why India deserves a permanent seat at United Nations Security Council and Nuclear Supplier Group? क्यों इंडिया को जो है वो परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, राइट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और परमाणु
आपूर्तिकर्ता समूह में क्यों भारत को स्थायी सदस्यता जो है इसके दावे का आधार है। अब देखिए बात को ध्यान सुनना, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर हम लोग को यूनाइटेड नेशन की देखने को मिलती है, राइट। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन की। इंडिया जो है अभी तक मल्टीपल टर्म्स में इलेक्ट हो चुकी है 2 साल के नॉन परमानेंट मेंबर की सीट के तौर पर। इंडिया ऑलमोस्ट जितने यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में आपको पता होगा, दुनिया भर में जहां पर भी कोई भी क्राइसिस होता है, कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, इशू होता है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड के पर्पस के लिए, मानवता की सहायता के पर्पस के लिए दुनिया भर से सोल्जर जो है वो जाते हैं, दुनिया भर से फोर्स जो है वो जाती है। तो इनमें से सबसे ज्यादा फोर्स हमारी है, इंडिया सबसे ज्यादा सोल्जर्स को भेजता है दुनिया भर में लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो पीस कीपर हमारी तरफ से सबसे ज्यादा जाता है। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा आबादी दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ है। और काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स का ये तक कहना है कि 2030 के बाद से हम चाइना को जो है वो सरपास कर देंगे, चाइना को से जो है वो आगे आ जाएंगे, उसको ओवरटेक कर देंगे और सबसे ज्यादा आबादी जो है वो हमारी होगी। और इंडिया जो है ऑलरेडी आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुकी है 1998 में। और इंडिया इवन अगर हम बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के तौर पर, इंडिया एक अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर आती है नॉन अलाइंग मूवमेंट। जैसे कि आपको पता होगा एक समय था जिस समय यूएसए और यूएसएसआर गुट में जो है वो बढ़ गई थी सभी कंट्रीज, कुछ यूएसए का सपोर्ट कर रही थी, कुछ यूएसएसआर का, हमने दोनों का सपोर्ट नहीं किया और नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने क्रिएट कर दिया नाम, और इसका उसके लीडर के तौर पर हम लोग सामने आए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं इसके तहत, मतलब ये पॉइंट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसके तहत जो है वो इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब बात करें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, तो 48 मेंबर का है ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये इलीट क्लब है कंट्रीज का जो कि डील करती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फिसल मटेरियल। फिसल मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? एटम्स, जिसका इस्तेमाल जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन में किया जाता है। तो ऐसे कोई भी मटेरियल, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, मैं वेपन नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर की मदद से हम लोग को देखने को मिलता है कि पावर भी जनरेशन, पावर का भी जनरेशन होता है। तो न्यूक्लियर का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ वेपन से नहीं है, हर एक प्रकार की टेक्नोलॉजी से है। इसलिए आप अपने नोट्स देखेंगे सामने पीडीएफ में तो आपको जो है वो नजर आएगा ट्रेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेड करना और फिसल मटेरियल में ट्रेड करना, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसके माध्यम से न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। तो आपको क्या चीज समझ में आई कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऐसे तो आपको नाम समझ में आना चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये ऐसा ग्रुप है जिन कंट्रीज के पास, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के पास क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, राइट। और वो इतने सक्षम है कि वो इस टेक्नोलॉजी में डील कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ भी। बट इस ग्रुप के अंदर मेन फोकस किस चीज पे रखा जाता है कि ये ट्रेड ना करें, दूसरी कंट्री को प्रोवोक ना करें, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दूसरी कंट्री ना परचेस करें, इस पर ये फोकस किया जाता है इस ग्रुप का, क्योंकि ये ग्रुप पीस और सिक्योरिटी पर टारगेट करता है। और इस ग्रुप का टारगेट है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो क्लीन एनर्जी के लिए ही किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से पावर जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पता है ना सभी लोग को। ये लाया गया था 1974 में जब इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा जो है वो किया गया था उसके रिस्पॉन्स में। और ग्रुप जो है न्यूक्लियर सप्लायर कंट्री का जो ये हमें देखने को मिलता है, इसका मेन फोकस यही है टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि कोई भी कंट्री अपने पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स ना रखे, राइट। और ये कंट्रोल करती है कि किसी प्रकार का मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए जो कि न्यूक्लियर बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी टेक्नोलॉजी तक ट्रांसफर ना की जाए जो न्यूक्लियर से संबंधित हो, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं न्यूक्लियर के ट्रेड को, राइट। देखो नाम तो आ रहा है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऐसा लगेगा कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करती है ग्रुप, बट एक्चुअली ये उसका अपोजिट है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो पहली बार मिली थी 1975 में, इसकी मीटिंग हुई थी लंदन में, और इसलिए इस ग्रुप को लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लंदन क्लब भी आप ध्यान रखिएगा। और इस ग्रुप के अंदर जो भी मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, उसमें जो भी ये गाइडलाइन रिलीज करते हैं वो गाइडलाइन बाइंडिंग नहीं होती है। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं
अगर किसी कंट्री को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाती है तो उनको तो देखो न्यूक्लियर एक्टिविटी दुनिया भर में कहीं पर भी कैसी भी हो रही हो तुरंत उस कंट्री को इंफॉर्मेशन मिलेगी तुरंत। इसके अलावा ये खुद भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन। ये कोऑर्डिनेशन और हार्मनी के तौर पर जो है वो काम करते हैं कि पूरी कंट्रीज के अंदर पूरे दुनिया में कहीं पर भी न्यूक्लियर का गलत उपयोग ना हो, तो उस तरीके से अपना रोल जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और ये हम लोग को देखने को होता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इसकी हम लोग को नजर आती है और काफी सारी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप के अपोजिशन में है, जैसे कि हमें मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, तो उनमें से चाइना ही है। बस चाइना इकलौती ऐसी कंट्री है जो नहीं चाहती है, ना वो हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के तौर पर देखना चाहती है, ना वो हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर के तौर पर देखना चाहती है। तो वो अपोज कर रही है चाइना, राइट वो नहीं चाहती कि हम लोग, और वो अपोज किसलिए कर रही है, उसका कहना है कि इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या आपको पता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में क्या होता है? मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो ये एक ऐसी संधि थी, एक ऐसी ट्रीटी हमें देखने को मिली थी जिसके माध्यम से जो भी कंट्री इस ट्रीटी को साइन करती है उस कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अपने कम करने होते हैं, जितने भी उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास रखे हुए हैं तो उसको अपने स्टॉक को जो है वो कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिड्यूस करते करते पूरी तरह से बंद कर देना होता है। तो हमने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को जो है वो साइन नहीं किया, राइट? तो चाइना कहती है कि इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, इसलिए इसको जो है वो मेंबर नहीं बनाना चाहिए एनएसजी का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और यही सब चीजें हैं जिसके कारण से हमारी एंट्री जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया वीटो, आपको तो मेन चीज दिखनी है वीटो, कि चाइना अपने वीटो का जो है वो उपयोग करके हमारी एंट्री को जो है वो ब्लॉक करता है। इसके अलावा इंडिया की कैपेसिटी भी है, इंडिया आप जानते ही हैं कि मिलिट्री पावर के तौर पर हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रही है कि उभर कर आ रही है, इंडिया ने ऑलरेडी इंडियन ओशियन क्षेत्र पे, राइट? मतलब इवन जैसे कि अगर देखा जाए तो हर जगह, ना ही सिर्फ इंडियन ओशियन क्षेत्र की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हमारी मिलिट्री कैपेसिटी अच्छी खासी है, राइट? तो ये चीज भी जो है आप जानते हैं। फर्दर इंडिया मतलब उस पे चाइना ने जब अपोज किया था कि इंडिया की जो है मिलिट्री कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, राइट? जिस हिसाब से होनी चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए, तो वो सब फालतू की बात है, हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी जो है वो कितनी है। फर्दर इंडिया हेवीली रिलाइज को, इसका ये कहना है कि इंडिया वेपन्स के लिए यूएसए और रशिया के ऊपर रिलाय करती है, राइट? माना हम रिलाय करते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमें मजबूत नहीं है, हम पावरफुल नहीं है, हम पावरफुल हैं, हम खुद भी आज की डेट में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट? हम बेसिकली आत्मनिर्भर बन रहे हैं डिफेंस के मामले में भी, राइट? तो यूएस नो अबाउट इट। तो ये सब चीजें चाइना ने जो है वो आरोप, जो है आरोप नहीं कहेंगे, मतलब हमें अपोज करने के लिए कि इंडिया को जो है वो इसकी मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो उसने लगाई। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करेक्ट? क्लियर सर? अगर कोई वीटो पावर के यूज करके अगर डिसीजन डिनाई करे तो क्या उसे बाकी चारों को एक्सप्लेन नहीं करना होता है कि वो नहीं नहीं करना होता शिवानी? ये कहीं पर भी क्लॉज नहीं है कि उसको जो है बताना हो कि मैंने क्यों, उसने मना कर दिया मतलब मना हो गया, एक्सप्लेन ना करे या करे वो उसका पर्सनल लुकआउट है। क्लियर समझ में आ रही पूरी बात है? चलिए आगे बढ़े। हाँ बंगाल में अमित शाह ने राष्ट्रपति शासन वाली मांग को किया खारिज, नेताओं से बोले संघर्ष करें सत्ता में आए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगने वाला था उसको रूल आउट कर दिया, उसको कह दिया कि अभी प्रेसिडेंट रूल जो है वो नहीं लगेगा। डिमांड जो है प्रेसिडेंट रूल की वो स्टेट में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ, ऐसे आरोप लगाए गए। एक्टिविस्ट ने कहा कि पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, जानबूझकर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो पॉलिटिशियंस जो है वो मरवा रहे हैं लोगों को, राइट? जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, स्टेट के अंदर गैंग रेप हो रहे हैं और दूसरे प्रकार की हिंसा हो रही है, वायलेंसेस हो रहे हैं, राइट? तो ऐसे आरोप जो है वो लगाए गए, बट अमित शाह जी वहां पहुंचे और उन्होंने बोला कि नहीं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज मत करो, लॉ एंड ऑर्डर को
है वो मेंटेन करने की कोशिश करो, प्रयास करो। सो आपको मेनली एक चीज ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको समझाऊंगा प्रेसिडेंट रूल होता क्या। पहला फैक्ट तो बिल्कुल याद रखो, आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 356 जो है वो क्या कहता है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करने की। क्या है पावर? स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करने की। जैसे ही प्रेसिडेंट बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट भंग हो जाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो गई मतलब कि वहां पर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं है। पूरी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास वाया गवर्नर। क्या चीज अगर आप अपने नोट्स को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे जो आपको पीडीएफ में मिले हैं, तो उसमें क्लियरली जो है वो ये चीज लिखी गई है कि इफ ही इज सेटिस्फाइड, अंडरलाइन द वर्ड सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि गवर्नमेंट जो है स्टेट की वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाएगा। डू यू थिंक ये चीज सही लिखी है? क्या आपको लगता है कि ये चीज सही लिखी है कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन के आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगता है? क्या ये सही है? नहीं। यहीं पर ही आपके अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है। अभी देखिए, अभी जो न्यूज आई है क्या ये? अभी जो न्यूज आई है क्या ये न्यूज? अमित शाह जी गए और उन्होंने बोला कि अरे नहीं, प्रेसिडेंट रूल मत लगाओ। क्या अमित शाह जी प्रेसिडेंट है? नहीं। तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन कहां गया फिर? यहां पे बात को ध्यान सुनना, लिखा तो होता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट नहीं करते, वो कौन करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। शब्द उनके हैं, शब्द हमारे हैं, पर बोल वो रहे हैं, वही वाली चीज है। ये कौन पिक्चर थी? थ्री इडियट्स वाली। तो कहानी वही है बस, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बस पीछे बैठकर ऑर्डर देते हैं और ऑनरेबल प्रेसिडेंट काम करते हैं। किसके भी आप में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी आप में। बिकॉज यू गाइज नो वेरी वेल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके हेड जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो बोलते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट को उनके अकॉर्डिंग करना होता है। आपके सामने न्यूज है, न्यूज में आपको ऑलरेडी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए अगर राष्ट्रपति के सेटिस्फेक्शन की आवश्यकता होती, प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन की आवश्यकता होती, तो क्या अमित शाह यहां पर जाते? नहीं ना। कॉन्सेप्ट गाइज, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जहां आपने एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मार्क करके आओगे। आई एम लिटरली टेलिंग यू, ये सब चीजें जो लिखी होती है ना, हम जब क्या सोचते हैं कि हम लिखी हुई चीजों को रट लें, पढ़ लें, बॉस नहीं होगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। बात चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आर्टिकल 356 याद रखो, बट लिखा तो है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन, बट एक्चुअल रियलिटी में वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन नहीं है। इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज सेंटर, केंद्र है वो जो कि डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। राइट, क्लियर? चलिए, सो प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज हो जाता है, कोई भी स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रहते हैं। पूरी की पूरी चीज जो होती है वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाती है। और गवर्नर वहां पर जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो होती हैं उसको हेड करते हैं और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट के अंदर। और प्रेसिडेंट रूल एक बार जैसे ही शुरू हो गया तो 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा और राज्यसभा को जो है वो अप्रूव करना होता है। राइट, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल यानी कि एक ऑर्डर पास कर दिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कि चलो इस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज हो रहा है, स्टेट इमरजेंसी जो है वो इम्पोज हो रही है, लागू की जा रही है, तो जैसे ही उन्होंने ऑर्डर पास किया लागू हो जाती, तुरंत जो है वो एक्शन में आ जाती है चीजें। बट 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा को जो है वो अप्रूव करना होता है। और कैसे अप्रूव करना होता है? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अप्रूव करना होता है। राइट, और जैसे ही अप्रूवल हो गया, जैसे ही अप्रूवल हो गया, हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वो 2 महीने से एक्सटेंड जो है वो कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा।
बट अगर अप्रूव नहीं होता है तो 2 महीने के बाद बंद हो जाएगा वो, राइट, ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा, क्लियर। और 6 महीने की इनिशियली इसकी वैलिडिटी होती है और हर 6 महीने में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और कितने पीरियड के लिए, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों के पीरियड के लिए इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट, और हर 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज किया जाता है किसके तहत, गवर्नर की रिपोर्ट के तहत, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जो है वो आता है, बट आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन नहीं, और दूसरी बात आपको ये भी बताया कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि गवर्नर कौन है, गवर्नर सेंटर का एजेंट है, पता है ना अगली बात सभी को कि गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के एजेंट के तौर पर काम करता है। तो गवर्नर ने जैसे ही अपनी एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो तुरंत प्रेसिडेंट देखेंगे कि अरे लॉ एंड ऑर्डर सही है कि नहीं वहां पर स्टेट के अंदर, और उन्होंने देखा कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है भंग हो रहा है, तो तुरंत प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया जाएगा। तो ये पावर गवर्नर की भी हम लोग को देखने को मिलती है, और प्रेसिडेंट जब चाहे तब प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और उसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड, बात समझ में आ गई पूरी तरह से। चलिए केंद्र दिल्ली सरकार विवाद पर संवैधानिक पीठ द्वारा सुनवाई, तो ये टॉपिक आप जानते हैं गाइस कई बार चला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज जो है वो हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं, अक्सर ये लड़ते रहते हैं पावर को लेकर। अभी 3 जज सुप्रीम कोर्ट की बेंच हम लोग को देखने को मिली, और ये जो है वो सेंटर और अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार के बीच में विवाद को जो है वो रिजोल्व कर रहा है। मेन जो इशू है वो यही है सर्विसेज का, कि दिल्ली सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो कौन करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, राइट। और उसमें बताया जा रहा है कि ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCR का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसकी सरकार द्वारा सेवाओं पर नियंत्रण के बिना अपनी स्थिति की तुलना बिना राज्य के राजा से की है। तो इनका कहना है दिल्ली सरकार ने कि भाई आपने हमें यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए दे तो दी पावर, राइट, लोगों ने चुन तो लिया यहाँ पर, बट हम कंट्रोल कैसे करेंगे जब तक हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे। हम भाई ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर देते हैं, आप जो है वो उनको जो है वो शिफ्ट कर देते हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो सुन रहे हैं वो सेंटर की जो है वो सुन रहे हैं, राइट। तो ये एक इशू जो है वो आपने क्रिएट करके रखा होता है, ये टसल इशू जो है वो चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार जो है उसको हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल की आवश्यकता होती है जब भी किसी हेल्थ सेक्रेटरी को या कॉमर्स सेक्रेटरी को अपॉइंट करना होता है, तो इसके कारण बहुत डिफिकल्टी हो रही है उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, राइट। और दिल्ली सरकार ने आर्ग्यू किया है कि अगर इनके पास किसी ऑफिसर को ट्रांसफर करने की, पोस्ट करने की पावर नहीं होगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कहां से फिर वहां पर अपना रूल जो है वो प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं है, जिसको आपको जो है वो करना है, सही जो है वो ठहराना है, राइट। तो ये चीज जो है वो बताई जा रही है। और केंद्र सरकार का तर्क है कि देश की राजधानी और विशाल महानगर दिल्ली उसके नियंत्रण में होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यार नेशनल कैपिटल है तो वो तो सेंटर के कंट्रोल में होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ विवाद जो है वो चल रहा है, बट इसके अंदर आपको देखो 2-3 चीजें पता होनी चाहिए मेनली, जो चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, कि ये विवाद तो समय समय पर आपको मिलेगा दिल्ली सरकार और ये केंद्र सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का, तो मिलेगा ही मिलेगा आपको हमेशा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक आपको पता होना चाहिए 2018 का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो यूनानिमसली ये चीज कही थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं ये बाउंडेड होंगे दिल्ली सरकार की एड और एडवाइस से। तो ये वाली चीज तो आपको जनरली पता ही है, राइट, कि अगर गवर्नर की बात करते हैं हम लोग या प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, राइट, उनके जो हेड होते हैं, जैसे कि स्टेट के मामले में चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, एड और एडवाइस करते हैं गवर्नर को, और उनके बिहाफ में गवर्नर ऑपरेट करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी, सेम मॉडल यहाँ पर भी लागू होगा, ये चीज क्लियरली 2018 के जजमेंट में कही गई। हालांकि इस 2018 के जजमेंट के अंदर इन्होंने सर्विसेज के मामले में कोई बात नहीं कही कि सर्विसेज को लेकर जो है वो पावर किसके पास होगी, और जजमेंट के अंदर कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि ओवरलैपिंग एरियाज थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये कहा गया कि चलो ठीक है, मतलब
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो एड और एडवाइस से बाउंडेड होंगे, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसपे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इंडिपेंडेंट पावर होगी, जैसे कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। अगर हम बात करें पब्लिक ऑर्डर की, राइट, मेनली लोक व्यवस्था की, तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत बड़ा है। इसको आप मतलब हर तरीके से, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर एक ऐसी चीज भाई, कहीं पर भी हल्के फुल्के दंगे हुए तो आपने बोला कि अरे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, ये तो पब्लिक ऑर्डर हमें मेंटेन करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई मंदिर है, राइट, मंदिर से रिलेटेड कोई मुद्दा आ गया, आपने बोल दिया पब्लिक ऑर्डर, राइट, क्योंकि पब्लिक जहां पर भी होगी वहां पर इन्वॉल्वमेंट पब्लिक ऑर्डर का आप कर ही सकते हो, कहीं ना कहीं से उसका इंटरप्रिटेशन कर ही सकते हो। तो कह रहे हैं कि भाई ये इतनी वाइड चीज है पब्लिक ऑर्डर कि जिसको आप लिमिट कर ही नहीं सकते, तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एग्जीक्यूटिव पावर ओवरलैप कर रही है, हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर जो है वो ऊपर जा रही है, राइट, एज कंपेयर टू दिल्ली गवर्नमेंट, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिला। अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है आर्टिकल 239 AA से रिलेटेड, AA क्लॉज 4 से रिलेटेड। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कैन रेफर अ डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर इवन, जैसे कि आपको ये वाली बात भी पता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट का अपन एग्जाम्पल लेते हैं जनरल, तो कोई भी अगर बिल है, आप जानते हैं कि कोई भी बिल पास हुआ, बिल गवर्नर के पास आया असेंट के लिए, अब गवर्नर क्या कर सकते हैं, उस बिल को अपने पास रख सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, या कोई भी रिपोर्ट उस पर आंसर देने से पहले गवर्नर क्या बोल सकते हैं, यार मैं प्रेसिडेंट से पूछूंगा उसके बाद आंसर दूंगा। सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, कुछ अलग से चीजें नहीं है, सेम ही है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा सेम है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को जो है वो प्रेसिडेंट को बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार आप बताइए कि करना क्या है, राइट। और अगर कोई भी, यानी कि दोनों के बीच में, स्टेट, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके बीच में कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद को कौन रिजोल्व करेगा, प्रेसिडेंट रिजोल्व करेंगे। और आपको पता है कि फिर प्रेसिडेंट रिजोल्व करना है मतलब पूरा का पूरा हम लोग को देखने को मिलता है डिसीजन किसके फेवर में आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके बिहाफ में काम कर रहा है, सेंटर के। प्रेसिडेंट किसकी सुन रहा है, सेंटर की। तो टेक्निकली क्या हो गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मोर पावरफुल हियर, राइट। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओपन एंडेड टर्मिनोलॉजीज की, इस चीज को भी बहुत ध्यान समझना, कोई भी मैटर अगर प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के कंसेप्ट को फॉलो करें, राइट। बट अल्टीमेटली ये सब चीजें सिर्फ किताबी होती है, ये सब चीजें सिर्फ थ्योरी में होती है, पूरा गेम जो चलता है वो पॉलिटिकल पावर का गेम चलता है, राइट। और कई केसेस में आप देखेंगे कि ईगो का भी गेम चलता है, वो बिल्कुल क्लियरली जो है पिक्चर में दिखाई देता है कि वी आर मोर पावरफुल, वी आर मोर पावरफुल, तो ये टसल चलता रहता है। और दिल्ली तो फंसी हुई है इस टसल में, राइट। और फरवरी 2019 के जजमेंट में, जो जजमेंट जो आया था जिसमें जस्टिस भूषण जी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज, तो इन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास कोई भी पावर नहीं है सर्विसेज को लेकर, क्लियरली इन्होंने ये चीज कही। अब जस्टिस सिकरी जो थे उन्होंने एक मिडिल पाथ लिया, इन्होंने बोला कि कोई भी जो ऑफिसर है सेक्रेटरी रैंक के, ये या फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जॉइंट सेक्रेटरी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो कोई भी ऑफिसर जो है उनकी जो भी फाइल्स आती हैं ट्रांसफर से रिलेटेड या पोस्टिंग से रिलेटेड, ये डायरेक्टली जो है वो सबमिट की जाए किसके पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, राइट। ही टुक द मिडिल पाथ, ही कंक्लूडेड दैट फाइल्स ऑन ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड जॉइंट सेक्रेटरी कुड बी डायरेक्टली सबमिटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो क्लियरली ये बात तो कही जा रही है ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहां पर ज्यादा पावरफुल जो है वो बनाया जा रहा है। और दिल्ली अंडमान निकोबार आईलैंड सिविल सर्विसेज कार्डर के तहत भी हम लोग को देखने को मिला कि फाइल्स कुड बी प्रोसेस थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगेन इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिवेल। मतलब ये कहा गया कि ये जो कार्डर है दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज का कार्डर, दैनिक कार्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस कार्डर के तहत ऑफिसर जो है उनके ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग इन सब चीजों को देखा जाता है या उनके प्रमोशन, तो जब ये कुछ चीज आती है तो पहले जो चीज जाएगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाएगी, बट अगर कुछ विवाद होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रिवेल करेंगे, उनके ओपिनियन जो है वो ऊपर रखे जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको क्या चीज नजर आ रही है, किसके पास ज्यादा पावर है दिल्ली के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और लेटेस्ट डिमांड दिल्ली सरकार ने क्या कही है, लेटेस्ट डिमांड दिल्ली सरकार ने की कि भैया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD एक्ट जो है उसको हटा दो, राइट, उसके अंदर चेंजेस लेकर आओ, उसके अमेंडमेंट में स्पेशली चेंजेस लेकर आओ,
13 रूल्स जो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 का है, उसमें भी चेंजेस लेकर आओ, राइट? क्योंकि ये सब जो चीजें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को जो है वो वायलेट कर रहे हैं। सेंटर जो है उसको ज्यादा पावरफुल जो है वो पावर जो है वो दी गई है, राइट? हम लोग को देख रहे हो कि अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके बिहाफ में काम कर रहे हैं, सेंटर के बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। और दिल्ली जो है वो किस प्रकार से दिल्ली का प्रशासन हमें देखने को मिलता है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर हमें देखने को मिली थी लेजिस्लेचर के साथ, और फिर 1991 में जो है ये सामने आई आर्टिकल 239 AA के तहत, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 का आया, जिसने आर्टिकल 239 AA जो है वो इंसर्ट किया। तो याद रखना आर्टिकल 239 AA किससे एसोसिएटेड है, दिल्ली से एसोसिएटेड है। ये बोलता है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेचर हम लोग को देखने को मिल रहा है, विधायिका सहित केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है? तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो हम लोग को दिल्ली की देखने को मिलती है, उसके पास पावर है, वो कानून बना सकती है सभी मैटर्स पे, सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर, जिसमें पब्लिक ऑर्डर एक विवादित हम लोग को क्या क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पूरी चीज समझ आ गई होगी, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर सभी कुछ, किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए एक मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। दाने दाने को मोहताज, दुनिया की बड़ी आबादी, करीब 4 करोड़ लोग भुखमरी की हालत तक पहुंचे हैं 2021 में, एक रिपोर्ट गई सामने आई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 हमें देखने को मिल रही है, रिसेंटली रिलीज की गई है किसके द्वारा, GNAFC के द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। ये रिपोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन हम लोग को GNAFC का देखने को मिलता है, और फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की सहायता से इसे तैयार किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, 4 करोड़ लोग, 40 मिलियन पीपल या उससे ज्यादा लोग पूरे दुनिया भर में एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 40 मिलियन से ज्यादा लोगों को, और बहुत बुरी हालत हुई है लोगों की। और आप जानते हैं कि बुरी हालत के पीछे जो है वो क्या कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, लॉकडाउन इज वन ऑफ द मेन रीजन, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मेन रीजन, राइट? ग्लोबल सप्लाई चेन डैमेज हो गया इज वन ऑफ द मेन रीजन, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मेन रीजन, राइट? और क्या चीज है आप मेंशन कर सकते हैं? इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल पे आ गई काफी सारी कंट्रीज की, राइट? तो सब चीजें इंटरलिंक, आप इस प्रकार के पॉइंट्स आपको तो याद होंगे ऑब्वियसली बात है, इतने समय से आप फॉलो अप कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स में आपके जो है वो होनी चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ये सब चीजें, बिल्कुल आप लेक्चर सुनते रहिए, लेक्चर रेगुलर बेसिस पर अटेंड करते रहिए, आपको पूरी चीज जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो होती जाएंगी और बिल्कुल आपको याद होती जाएंगी। यही चीज बस आपको करनी है। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आप अगर रेगुलर रखते हो तो आपका मेंस का आंसर भी बहुत अच्छा बनता है, और एक आपकी थिंकिंग जो है वो काफी ब्रॉड होती है। तो एक चीज ये देखिए, हमने बताया जा रहा है कि ओवर हाफ मिलियन इथियोपियंस, सदर्न मडागास्कर, साउथ सुडानीज, यमनीज, यानी कि साउथ सुडान के लोग, इथियोपिया के लोग, साउथ मडागास्कर के लोग, यमन के लोग अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में क्राइसिस भी हुए हैं। यमन इस कंट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे कितने मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट? कितने मिलिटेंट ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिले हैं जिन्होंने लोगों को मारा है, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, राइट? ओवर 193 मिलियन पीपल इन 53 कंट्रीज, 193 मिलियन से ज्यादा लोग 53 कंट्रीज और टेरिटरीज में जहां पर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जो है वो एक्सपीरियंस की गई है, राइट? और रीजन क्या है इन सब चीजों के पीछे? कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जो है वो भागना पड़ा, रेफ्यूजीज बने, वेदर एक्सट्रीम, क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को ये इश्यूज जो है वो देखने को मिले, इकोनॉमिक शॉक्स, इकोनॉमी की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनानी है हम लोग को, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्रिवेंशन, रोकथाम के लिए, एंटीसिपेशन, प्रत्याशा के लिए, बेटर टारगेटिंग, बेहतर लक्ष्यकरण के लिए, मतलब प्रिवेंट करो, एंटीसिपेट करो कि आगे चल के हम अगर ये पॉलिसी अपना रहे हैं
तो आगे चल के इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, और बेटर तरीके से टारगेट करना है कि जो एक्चुअल जो नीडी है उनको जो है वो हेल्प मिलनी चाहिए। और स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे किसान वगैरह हो गए, उनको आप प्रायोरिटी पर रखिए कि वो अपनी जॉब को ना छोड़ दें, वो कंटिन्यू रहे, वो सस्टेन तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से जो है वो काम करें। और जी एन ए एफ सी के बारे में बात करें, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, नाम से समझ आ रहा है कुछ, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, कि जहां पर भी फूड क्राइसिस हो रहा है, खाने की समस्या जहां पर भी हो रही है, उसके अगेंस्ट उसका सामना करने के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क है। इसका गठन किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा 2016 में। और ये सपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन के जो 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनमें से एक गोल जो है वो हंगर को खत्म करने का गोल नंबर 2, भूखमरी को समाप्त करने का जो सतत विकास लक्ष्य जो हम लोग को देखने को मिल रहा है गोल नंबर 2, तो उसको ये सपोर्ट करती है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की सहायता से भी इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, तो फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है ये भी जान लो। सो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसको को स्पॉन्सर किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये इन्फॉर्मेशन, देखिए नाम से क्या समझ आ रहा है, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये ऐसा नेटवर्क है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ये बताता है किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, कि कहां कहां पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत करनी है, देखो कहां पर प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, तो उसके बारे में ये सलूशन देता है, जो सलूशन को पॉलिसी मेकर्स है वो अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज बनाते हैं। गेटिंग इट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, आगे की बात करते हैं, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है, अलग चीज तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, एक व्यक्ति जो कि पर्याप्त खाना जिसे नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो अपनी जीविका को, आजीविका को, जीवन को चला सके, किसी व्यक्ति को जब पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है अपने जीवन को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो डेंजर में होता है वो व्यक्ति, राइट? खाना नहीं मिलेगा तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, जैसे आप है, आप अगर हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा, आप हेल्दी फूड नहीं ले पाएंगे तो आप किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इस इशू के कारण इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है, और धीरे धीरे करके जब एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है तो हंगर के कारण लोगों की मौत भी होती है। गेटिंग इट? दीज आर द इशूज जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और क्रॉनिक हंगर जो है ये ऐसी स्थिति होती है जब पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो है वो पर्याप्त मात्रा में इतना फूड नहीं खा पाता कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सके, सस्टेन कर सके। बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने। चलिए, आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021, तो इसके बारे में गाइस हम लोग चर्चा करेंगे। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, आसाम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021, कैटल को प्रिजर्व करना है। यहां पर कैटल जो है वो क्या है, कैटल के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, गाय आ जाती है, बछड़ा आ जाता है, बछी आ जाती है, काऊ, काफ, कीफर, तो काऊ को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। कहां का बिल है, आसाम का बिल है। इसी चीज के कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि मेघालय के अंदर एक्यूट बीफ क्राइसिस हुई है, बीफ संकट, अक्यूट तीव्र बीफ संकट हम लोग को मेघालय के अंदर देखने को मिला है। तो ये जो हिल स्टेट जो है मेघालय, इसका जो मेन कैपिटल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, सॉरी कैटल मार्केट, मेन कैटल मार्केट वो बंद हो चुका है, और इसी चीज के कारण, क्योंकि एनिमल जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं कंजम्पशन के लिए, और काफी सारे प्रेशर ग्रुप्स हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली एक रैली भी लगाई थी, रैली कंडक्ट करी थी आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 के अगेंस्ट। इस रैली का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये कानून जो है उसके कारण फार्म इकोनॉमी जो है वो डैमेज हो रही है, धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर कृषि अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा है। तो ये चीज जो है वो इस रैली ने जो है वो रैली के माध्यम से लोगों ने जो है वो बताया। इस लॉ का मेन एम यही है कि रेगुलेट करना स्लॉटरिंग एक्टिविटीज को, कंजम्पशन को और कैटल के ट्रांसपोर्टेशन को, राइट? मवेशियों के वध, उपभोग
और परिवहन को विनियमित करना, रेगुलेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मेन ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिए कि रेगुलेट करना, और हाइलाइट्स इस पर्टिकुलर कानून के क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर कैटल को क्या माना गया है, गाय, बछड़ा और बछिया, और कैटल का ट्रांसपोर्टेशन जो है आसाम के अंदर या आसाम के बाहर पूरी तरह से जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है, और सेल्स जो बीफ की है या बीफ के प्रोडक्ट्स की है पूरी तरह से बंद कर दी गई है, स्पेशली वो एरिया जहां पर हिंदू, जैन, सिख रहते हैं और दूसरे नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी जहां पर रहती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से बीफ या बीफ के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं किया जाएगा। इवन बीफ या बीफ का प्रोडक्ट जो है वो बैन कर दिया गया है किसी भी मंदिर, सत्रा या किसी भी दूसरे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के 5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में। तो 5 किलोमीटर के रेडियस में मंदिर के कहीं पर भी बीफ या बीफ के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। इसके अलावा पनिशमेंट भी यहां पर रखी गई, तो जो भी लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं, इस कानून के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं उसका उल्लंघन करते हैं, तो उनको जेल होगी, कम से कम 3 सालों की उनको जेल होगी और 8 सालों तक की जेल हो सकती है, 3 से 8 सालों तक की जेल, और जुर्माना 3 लाख से और 5 लाख के बीच में जो है वो इनका जुर्माना हो सकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अगर कोई आरोपी बार बार जो है वो हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, अगर कोई मतलब सॉरी, अगर कोई आरोपी बार बार क्राइम कर रहा है, बार बार कंटिन्यूअसली, राइट, जैसे एक बार उसने क्राइम किया, सजा काटी, फिर बाहर निकल के फिर क्राइम कर लिया, तो जो ये क्राइम के अंदर जो सजा है वो डबल कर दी जाएगी, सेकेंड टाइम पर डबल कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसके अंदर जो है वो दी गई है। और इस प्रकार के कानून की जो है वो क्या आवश्यकता है, क्योंकि इलीगल कैटल स्मगलिंग हो रही थी इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर, ये बढ़ती जा रही थी, और यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4,76,035 गले, जो सर जो होता है ना गाय का, इनको वो मिला है 2016 से 2020 के बीच में, 4,76,035, इतनी ज्यादा मात्रा में सर जो है वो जब्त किए गए। तो ये चीज इन्होंने बताई, और वो भी इंडो बांग्ला बॉर्डर पर। और कुछ चीजें इसके अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल हम लोग को देखने को मिल रही है, ये कानून जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है काउ स्लॉटर को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन, किसी भी प्रावधान पर ध्यान दिए बिना गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। ये प्रोहिबिट करता है कि बीफ का सेल्स या बीफ के प्रोडक्ट्स का सेल किसी भी टेम्पल जो है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन है, जो भी हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब कोई भी 5 किलोमीटर के रेडियस पे कहीं पर भी कोई भी जगह, कहीं पर भी मंदिर होगा 5 किलोमीटर के रेडियस तक, कोई भी बीफ ना बना सकता है, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है, कुछ नहीं। और इसके अंदर इतनी मतलब इस प्रकार से, पहली बात तो आपको पता होगा कुछ समय पहले एक और न्यूज हमने पढ़ी थी कि इस प्रकार के कानून के तहत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मेरे ख्याल से बिहार का केस था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जब लिखकर बताइएगा, वहां पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, या आई थिंक यूपी का था, आई थिंक, तो वहां पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बुरी तरह से, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कि उनके घर की तलाशी ली जा रही थी, राइट, बार बार कंटिन्यूअसली, राइट, इंस्पेक्टर्स पुलिस उनके घर पे आ रहे थे, क्योंकि सेम चीज यहां पर भी है। आसाम के इस कानून के अंदर भी पावर दी गई है कि कोई भी वेटरनरी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के, वो किसी भी जगह पर जाकर सर्च कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट, उसके घर की तलाशी ले सकते हैं, राइट। तो इसी के कारण बहुत मिसयूज हो रहा है इस पर्टिकुलर कानून का, और इसमें पनिशमेंट और फाइन्स भी जो लगाए गए हैं वो भी बहुत हार्श लगाए गए हैं, बहुत एक्सट्रीम है। इस प्रकार के पनिशमेंट सीरियस ऑफेंडर्स को जो है वो दिए जाते हैं, यानी कि जो क्रिमिनल जो है, जो अपराधी जो है, जो गंभीर आरोप करते हैं, सीरियस क्राइम जो करते हैं, तो उनको जो है ये पनिशमेंट दी जाती है, इस प्रकार की हार्श जो कि इसमें दी जा रही है। और आपको एक फैक्ट और बताएं कि आसाम 263 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर करती है, और आसाम के अंदर काफी सारे एग्जिट पॉइंट्स हैं इंडो बांग्लादेश की बॉर्डर में, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इलीगल तरीके से कैटल स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग इवन मेघालय और वेस्ट बंगाल के रूट से भी होती है, और पिछले कुछ सालों में बीएसएफ ने 65 कैटल कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए हैं बॉर्डर में, और रिकमेंड किया है कि कुछ ऐसे उपाय जो है वो लाए जाए
और उन्होंने भी रिकमेंड किया है कुछ उपाय जिसके तहत कैटल स्मगलिंग को स्टॉप किया जाए। लोकल पुलिस ऑफिशियल जो आसाम के अंदर है उनका क्लेम यह है कि द लॉ डजंट अलाउ देम टू स्टॉप समवन फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग कैटल टू अनदर स्टेट। उनका कहना है ये कि एक अगर कोई व्यक्ति गाय बछड़े बछिया को लेकर अगर दूसरी स्टेट में एंटर कर रहा है तो पुलिस ऑफिशियल रोक नहीं सकते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बकायदा मेंशन था कानून के अंदर, आपने पढ़ा भी है कि आसाम के अंदर कोई भी पर्टिकुलर यानी कि व्हीकल्स में अगर गाय जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रही है तो उसको रोका जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो स्टॉप किया जा सकता है। तो ये क्लियरली है। और इफ अरेस्टेड स्मगलर कैन क्लेम दैट दीज आर पर्सनल कैटल्स, और अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो स्मगलर ये भी कह देते हैं कि यार ये तो हमारी खुद की जो है वो गाय है, राइट, हम तो अपने मतलब खेत वगैरह पे लेकर जा रहे थे, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन जो है वो दे सकते हैं और गुमराह कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से इजिली पुलिस वाले गुमराह नहीं होते, इसका मिसयूज भी जो है वो कई बार होता है, राइट। चलिए एनीवेज ये था पूरा पूरा टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछो, और बाकी आप हमारे कोर्स को रहे गाइस ले सकते हैं। हमारा 12 मंथ्स का कोर्स है जनरल स्टडीज का, प्रीलिम्स प्लस मेंस की पूरी तैयारी आपकी करवाई जाती है, मैं खुद ही आपकी तैयारी करवाता हूँ, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पूरा का पूरा कवर करवाता हूँ, और लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं बिल्कुल, और क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती है। बायलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कोर्स है, सभी के सभी नोट्स है वो क्लास में अवेलेबल करवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, सब कुछ जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इसके अंदर है। इसकी फीस जो है वो मात्र 12,000 रुपीज है फॉर 12 मंथ्स। चलिए फिर साइन ऑफ करें, अब मिलेंगे हम लोग शाम में 4 बजे।